चलो बेटा, अब अपन कौन सी वाली रिएक्शन देखेंगे, दैट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे ऐसी वाली रिएक्शन जिसमें हमको क्या मिलेगा, दैट इज सोप मिलता है ना। तो सोप को ऑब्टेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन यूज होती है, दैट रिएक्शन वी कॉल व्हाट, दैट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। आती बेटा बात समझ में, है ना। सोप को ऑब्टेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन यूज की जाती है वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है अच्छे से ये? ठीक है, अब अपन कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, है ना, काफी ज्यादा डिटेल में बेटा पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। ईस्टर को जो अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है उससे, कार्बोऑक्सैलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है ना। एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस होता है वो कैसा होता है, इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, और ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जो बेसिक मीडियम में होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे वो होता है इरिवर्सिबल। समझाती बेटा बात ये? ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम वाला रिवर्सिबल होता है, और अल्कलाइन मीडियम में जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्लियर है? ठीक है, अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं बेटा ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी क्या ही होता है, तो हम बोलेंगे इट इज ईस्टर का हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो रिएक्शन तो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो ईस्टर हम लेते हैं वो ईस्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज फैट होता है। ठीक है, और फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज लॉन्ग चेन कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स जो होते हैं ना, मतलब जिनमें क्या रहेगा, कार्बन का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका ग्लिसरॉल के साथ बना हुआ ईस्टर है ना, इनका ग्लिसरॉल के साथ बना हुआ ट्राई ईस्टर है ना। ग्लिसरॉल क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना, दैट इज दिस CH2OH CHOH एंड CH2OH है ना। ग्लिसरॉल इज व्हाट, सो वी से इट इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, तो ये ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के जो ट्राई ईस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, दीज आर फैट्स है ना, इफ दे कंटेन व्हाट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल के लॉन्ग चेन कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स के साथ बने हुए जो ट्राई ईस्टर्स होते हैं है ना, उनको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे उनको हम बोलते हैं इट इज फैट्स। ठीक है, और ये जो फैट्स होते हैं इनका जब क्या करवाया जाता है, तो हम बोलेंगे इनका फैट्स का जब अल्कलाइन अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लॉन्ग चेन कार्बोऑक्सैलिक एसिड था उसका हमको क्या मिल जाता है, इट इज सॉल्ट मिल जाता है ना, क्योंकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जब हम ट्राइग्लिसराइड है ना, मतलब जो क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है, इनका जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, इट इज सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है और साथ में क्या मिल जाएगा, इट इज ग्लिसरॉल मिल जाता है। समझ आती बेटा बात ये? यहाँ अल्कलाइन मीडियम जो होता है इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी NaOH या फिर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे KOH भी हो सकता है। ठीक है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उनका क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, तो यदि हमने यहाँ NaOH लिया है तो क्या मिल जाएगा, उनका सोडियम सॉल्ट मिल जाता है, और यदि यहाँ हम क्या लेते हैं, दैट इज KOH लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, उनका यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट मिल जाता है। आते क्या बेटा समझ में, है ना, कौन सी चीज हमने बोली, तो हमने बोला यहाँ पर नहीं, यदि क्या हुआ, तो हमने बोला यदि हमने किसको लिया, दैट इज NaOH को लिया, तो यहाँ इनका मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट, और यदि यहाँ हमने क्या लिया, दैट इज KOH लिया, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पोटेशियम सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग चेन कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं इनके जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं यही क्या होते हैं, सोप कहलाते हैं। समझ आती बेटा बात ये?
और सोप को ऑब्टेन करने की ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है इट इज नथिंग बट वॉट, सो वी से इट इज ट्राइग्लिसराइड्स विच आर वॉट ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, इनका जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है यही रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे यही रिएक्शन होती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। आई बेटा बात समझ में, ये वाली जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे दिस रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। आया बेटा समझ में, है ना, इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो क्या है, तो हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है दिस इज व्हाट सोप का ऑब्टेनिंग। ठीक है, केमिकली रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होती है। ईस्टर किसके, तो हम बोलेंगे इट इज ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर्स जो फैट्स होते हैं। ठीक है, फैट्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज लॉन्ग चेन कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स के ग्लिसरॉल के साथ बने हुए ट्राई ईस्टर्स जो होते हैं इनको फैट्स कहा जाता है। समझ आती बात ये, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो उसमें जो क्या मिलेगा, इट सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, वो सोप होता है। दिस कैन बी सोडियम सॉल्ट और दिस कैन बी पोटेशियम सॉल्ट, साथ में क्या निकल गया, इट ग्लिसरॉल निकल जाता है। क्लियर बेटा, अच्छे से है ना। अगली चीज जो अपन बोलते हैं यहाँ, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये जो सोप हमको यहाँ पर इनिशियली मिलते हैं, ठीक है, ये सोप क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे हमको कोलॉइडल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल जो सोप्स अपन देखते हैं ना, वैसे तो लिक्विड सोप भी होते हैं बट नॉर्मली जो सॉलिड सोप्स हम देखते हैं ना मोस्ट कॉमनली, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर इन सॉलिड फॉर्म, और ये जो भी सोप हमको मिला है कोलॉइडल फॉर्म में है, मतलब क्या रहेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो सोप को यहाँ प्रेसिपिटेट है ना, या फिर हम क्या बोलेंगे, इट इज कोएगुलेट करने के लिए, है ना, यदि हमने यहाँ NaOH लिया था तो NaCl डालते हैं, या KOH लेंगे तो क्या डालेंगे, दैट इज KCl। ठीक है, तो जो सोप हमको मिलता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, दिस रिमेन्स इन व्हाट, सो वी से दिस रिमेन्स इन कोलॉइडल फॉर्म। ठीक है, और इसको जब क्या करवाएंगे हम, तो हम बोलेंगे इसका जब हमको प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो इफ वी यूज व्हाट, दैट NaOH फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, देन NaCl इज एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, है ना, वाइल इफ वी यूज व्हाट, दैट KOH फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, देन फॉर प्रेसिपिटेशन व्हाट वी यूज, दैट KCl। समझ आ गई बात ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोप हमको मिलता है इनिशियली किसमें, कोलॉइडल फॉर्म में, और क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसका हम क्या करवाते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। ठीक है, दैट इज बाय एडिशन ऑफ NaCl और KCl, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या वहां पर कौन सा अल्कली यूज किया था। आगे बेटा बात समझ में, अब सोप को जो अपन प्रेसिपिटेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो पीछे सोल्यूशन बचता है उसमें क्या रहेगा, दैट इज ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, सोप के प्रेसिपिटेशन के बाद है ना क्या बचेगा, तो हम बोलेंगे पीछे के सॉल्यूशन में ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का ये इंडस्ट्रियल सोर्स भी होती है रिएक्शन, तो ग्लिसरॉल को यहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे किस, दैट इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ग्लिसरॉल को यहाँ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाहर निकाल लेते हैं। आती बेटा बात समझ में, ठीक है, और कौन सी चीज हम बोलेंगे, सोप इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है विच इज व्हाट, जिसमें से ग्लिसरॉल को हमने निकाला वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेंट लाई, है ना, वेस्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री विच इज व्हाट, कमर्शियल सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल, दैट वेस्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज नोन एज व्हाट, इट इज कॉल्ड स्पेंट लाई कमर्शियली। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शन हमने समझी ये क्या होती है, दैट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज जो अपन बोलेंगे है ना, ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलेंगे कि सोप के कैरेक्टर यदि हम देखें तो हम क्या बोलते हैं कि सोप जो है ये क्या रहेगा, दैट इज क्लिंजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लिंजिंग एजेंट्स इन जनरल क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो सोप इज व्हाट, अ टाइप ऑफ डिटर्जेंट जो क्या होता है, क्लिंजिंग एजेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोप हम देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लिंजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, यदि अपन सिर्फ वाटर से क्या करेंगे, क्लीनिंग करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी की क्या हो जाएगी, डिटर्जेंट से और सोप की हेल्प से हो जाती है। मतलब सोप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे वाटर की क्लिंजिंग एक्शन को इम्प्रूव करते हैं, है ना, सोप्स क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे वाटर की क्लिंजिंग एक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जैसे स्किन पर या फैब्रिक, इसके ऊपर जब फैट
चिपक जाता है, तो क्या करेगा, दूसरी जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो दूसरी गंदगी होती है उसको भी अपने ऊपर चिपका लेता है, जिसकी वजह से स्किन या फैब्रिक जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा डर्टी हो जाता है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि सोप्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, उस फैट को रिमूव करके वो जो दूसरी वाली गंदगी होती है, जो दूसरी डर्ट होती है, ठीक है, उसको भी वहाँ से हटवा देते हैं। ठीक है, तो सोप्स का काम क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज फैब्रिक या स्किन के ऊपर जो फैट चिपका हुआ था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, दूसरे और मटेरियल्स उस पर आकर चिपक गए थे, और इसकी वजह से क्या हो गया था, फैब्रिक या स्किन जो थी वो ज़्यादा खराब या ज़्यादा गंदी हो गई थी। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि उसकी क्लिनजिंग के लिए क्या करेगा, इट इज सोप जो होता है दैट इज अ बेटर या दैट इज अ मोर इफेक्टिव रिएजेंट। अब सोप्स जो होते हैं इनका क्लिनजिंग एक्शन ये कोलोइडल स्टेट में आप पढ़ चुके हो ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो दैट वी आर नॉट डीलिंग हियर। ठीक है, सोप्स जो होते हैं डिटर्जेंट्स इनका जो क्लिनजिंग एक्शन होता है ना, इट इज बाय माइसिल फॉर्मेशन, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन व्हाट दैट फिजिकल केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम पांच चीज बोलते हैं कि जो सोडियम या पोटेशियम सोप्स होते हैं सिर्फ यही क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सोप्स जो होते हैं यही वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इस वजह से क्लिनजिंग के लिए जिस जिन सोप्स को हम यूज करते हैं वो कौन से रहेंगे, सोडियम या पोटेशियम सोप्स ही होते हैं, है ना। क्या बोला हमने कि सिर्फ सोडियम या पोटेशियम सोप्स जो होते हैं दे ऑनली आर व्हाट, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो क्लिनजिंग पर्पजेस के लिए जिन सोप्स को यूज किया जाता है वो सोप्स क्या रहेंगे, इसेंशियली कौन से होते हैं, दीज आर सोडियम या पोटेशियम सोप्स ही होते हैं। समझा गया बेटा बात ये? ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, तो इसके बाद हम बोलते हैं कि पोटेशियम सोप्स जो होते हैं ये स्किन के लिए ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं बजाय सोडियम सोप्स के। ठीक है, तो इसलिए बाथिंग के लिए, ठीक है, जो सोप यूज होते हैं वो कौन से रहेंगे, दीज आर पोटेशियम सोप्स होते हैं, है ना। क्या बोले हमने, जो पोटेशियम सोप्स होते हैं ये क्या रहेंगे, दीज आर मोर सॉफ्ट टू स्किन देन व्हाट दोज सोडियम सोप्स। आ रहे बेटा समझ में? ठीक है, इस वजह से कौन सी चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे बाथिंग के लिए जो सोप बार यूज होता है वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज वो पोटेशियम सोप होता है। आगे बेटा समझ में, है ना। तो ये क्या थे, देवर सोप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। तो क्या बोला था हमने, इट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज ट्राइग्लिसराइड्स, जो ग्लिसरॉल के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ बने हुए ईस्टर्स होते हैं जिनको फैट्स कहा जाता है, उनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम करवाएं, तो जो सोडियम सॉल्ट, जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड हमको मिलता है वो क्या होता है, सोप, और साथ में क्या मिलता है, इट इज ग्लिसरॉल। मतलब सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला था कि जो सोप हमको मिलता है किसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन में मिलता है। ठीक है, इसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं क्या डालकर, इट इज NaCl या KCl डालकर। ठीक है, ग्लिसरॉल जो हमको पीछे सॉल्यूशन में मिलता है आफ्टर प्रेसिपिटेशन, उसको रिमूव किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ग्लिसरॉल का जो सोर्स होता है सोप इंडस्ट्री का वेस्ट, इसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलते हैं इसको स्पेंटलाइन। सोप्स जो होते हैं क्या होते हैं, डिटर्जेंट का टाइप होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्लिनजिंग एजेंट्स, मतलब सोप्स भी क्या रहेंगे, क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं। ये वाटर की क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं। कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि फैट जो स्किन या फैब्रिक पर चिपक कर क्या करते हैं, दूसरी गंदगी को अपने ऊपर चिपका लेता है, उसको रिमूव करते हैं सोप, दैट इज बाय माइसिल फॉर्मेशन। पढ़ा हुआ अपने सरफेस केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सोप्स जो होते हैं वही वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए क्लिनजिंग पर्पजेज के लिए जो सोप्स यूज किए जाते हैं वो कौन से रहेंगे, सोडियम या पोटेशियम सोप्स होते हैं। फिर पोटेशियम सोप्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, हमने बोला इट इज स्किन के लिए ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से बाथिंग के लिए नॉर्मली जो सोप यूज होते हैं वो कौन से होंगे, दीज आर पोटेशियम सोप्स रादर देन सोडियम सोप्स। ठीक है बेटा, है ना। अब इसका नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो अपन सोप्स का जो वो होते हैं टाइप्स होते हैं वो अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे।